किसी की याद बार बार आना, वो हमारे दिमाग में 24 घंटे रहते हैं। अगर हम किसी को याद करते हैं तो क्या वो भी हमें याद करता है? अक्सर हम देखते हैं कि हमें अचानक किसी की याद आती है और हम उदास हो जाते हैं, हम रोना भी शुरू कर देते हैं और उसके पीछे भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये उस शख्स पर मुनहसर है जिसे आप याद कर रहे हैं। आइए समझें कि हम किसी को बार बार क्यों याद करते हैं और क्या करना चाहिए। मैं बार बार किसी को क्यों याद करता हूं करती हूं हम किसी को क्यों याद करते हैं? जब भी आप अचानक उदास हो जाते हैं और किसी की सोच आने लगती है तो इसका मतलब है कि आप किसी को याद कर रहे हैं और उस शख्स के साथ गुजारे हुए वक्त को याद कर रहे हैं। आप उस शख्स से कितने जुड़े हुए हैं ये आपके रिश्ते पर मुनहसर है। अगर आपको अपनी मोहब्बत की कमी महसूस हो रही है तो ये याद बहुत ज़्यादा आ सकती है। इसी तरह अगर आपका साथी किसी वजह से आपसे दूर है और आप उससे मिलने के लिए तरस रहे हैं, आपको उसकी आदत हो गई है, तो इसके लिए भी आप उसे बार बार याद करते हैं। एक शख्स तवील अरसे तक आपके साथ रहा और फिर आप उसके साथ एक गहरा रिश्ता बना लेते हैं और फिर वो जब जुदा या दूर होता है आप उसे याद करते हैं और उससे मिलने का दिल महसूस करते हैं। आप उसकी बातें बार बार अपने जहन में लाते हैं। कभी कभी आप उसे याद करते हैं और उदास हो जाते हैं। कभी कभी आपको उसे याद करके बहुत अच्छा लगता है। कभी आप अपने दिमाग में मुस्कुराते हैं, कभी आप खुशी में रोते हैं और कभी आप तन्हा महसूस करते हैं, क्योंकि आप अपने साथी के साथ गहरे रिश्ते में जुड़े हुए हैं। आपको इसके लिए भी किसी की याद आती है क्योंकि वो उस वक्त आपके करीब नहीं है। हम किसी को क्यों याद करते हैं? हमारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसलिए हम हमेशा एक ऐसे शख्स को तलाश करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में तन्हाई को दूर कर सके। और जब हमें ऐसा शख्स मिल जाता है तो हम उसे अपनी पूरी दुनिया समझने लगते हैं, क्योंकि वो हमें कभी तन्हा महसूस नहीं होने देता। इस तरह हम अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। उसके साथ हम साथ चलने का वादा करते हैं। सच तो ये है कि ये ज़िंदगी अकेले जीने के काबिल नहीं, हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। ऐसी हालत में अगर कोई शख्स हमारे ताल्लुक में आ जाए और वो हमसे प्यार करता है, वो हमारा ख्याल रखता है, वो हमें बाहर ले जाता है, हंसाता है, तो क्यों ना हम उसे अपनी सारी ज़िंदगी समझें। ऐसे में अगर वो शख्स किसी वजह से हमसे दूर हो जाए तो हम उसे बार बार याद करते हैं, क्योंकि उस शख्स के पास बहुत कुछ होता है। इस तरह वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करने लगता है। बड़े कप के बाद खुश कैसे रहें, उसे कैसे भूलें। हम सब इंसान हैं, दूसरे लोगों से जज्बाती तौर पर जुड़ जाना इंसानी फितरत है। ऐसे में अगर कोई ऐसा शख्स हमारी ज़िंदगी में आ जाए जिसके साथ हमारा गहरा रिश्ता हो गया हो सकता है कि हम किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत कर चुके हों जिससे हम मोहब्बत करते हैं। जाहिर है कि हम उसे अपनी ज़िंदगी समझते हैं, और ऐसी हालत में अगर वो हमसे दूर हो जाए और हमसे बात ना करे तो हम उसे बहुत याद करने लगते हैं और हमारा जीना
मुश्किल हो जाता है। हम किसी को याद कर सकते हैं, हालांकि भूलना बहुत मुश्किल काम है। अब आपको उससे बेहतर और प्यार करने वाले इंसान की ज़रूरत है, तभी आप उस शख्स को भूल सकते हैं। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि इस दुनिया में आपको इससे बेहतर और प्यार करने वाला शख्स ज़रूर मिलेगा, बस आपको उसकी तलाश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ऐसा शख्स अगर कभी आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे तो उसे अपनी ज़िंदगी में आने दे, ना करे, किसी भी आने वाले मौके को हाथ से ना जाने दें। उसे बताएं कि आप कितने परेशान हैं, आपको प्यार की ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा शख्स आएगा जो आपसे बहुत प्यार करेगा। इसी तरह अपना ख्याल रखें तो बहुत आसानी से महसूस करेंगे। इससे आपको पुराने रिश्ते की यादें भुलाने में आसानी रहेगी और उसे भूल जाएंगे। याद रखें, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसलिए एक शख्स के लिए अपनी आने वाली ज़िंदगी को ख़राब न करें। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भूलने की तजावीज़। अपने साबका की तस्वीर, वीडियोस और नंबर्स हसफ करें। अपनी ज़िंदगी को मकसद बनाएं। दोस्तों और कुंबे के साथ बातचीत में मशगूल रहें, खासकर जब आप उनकी कमी महसूस करें। एक नए रिश्ते में शामिल हों और एक नए साथी को मौका दें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट ना करें। गौर से सोचें कि क्या इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स था जो आपसे मोहब्बत कर सकता था। जब आप सोचते हैं कि अब मेरा क्या बनेगा, तो खुद से कहिए कि अब हमें एक नया और बेहतर साथी मिलेगा। ताल्लुकात ख़त्म करना आपके लिए अच्छा है, खासकर जो ना मिला हो या मिलने की उम्मीद ना हो। अपने काम पर तवज्जो मरकूज करें और आसपास के नए दोस्त बनाएं। YouTube पर उन लोगों की कहानियां देखें जिनके साथ ये उनकी ज़िंदगी में हुआ था। किसी की कमी की बुनियादी वजह, आप वही इंसान नहीं हैं जो किसी को याद करते हैं या आप किसी को बहुत याद करते हैं। हर इंसान के साथ एक ऐसा वक्त आता है जब कोई उसे छोड़कर चला जाता है और वो उस शख्स की यादों में बहुत डूब जाता है और हम बहुत रोते हैं और ज़िंदगी बेकार लगती है। इंसान जज्बाती तौर पर लोगों से जुड़ जाता है। हम ये ज़िंदगी अकेले नहीं गुजार सकते, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमारे साथ चलें, साथ रहें, हंसें, घूम सकें। क्योंकि हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हमसे प्यार करे, जो हमें हंसाए, जिसके साथ हम हमारे दुख और खुशी बांट सकें। ऐसे में जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हम अकेले हो जाते हैं, हम अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यही वजह है कि हमें किसी की कमी महसूस होने लगती है। ऐसे में आपको एक नए साथी की तलाश करनी चाहिए जो आपकी इस कमी को पूरा कर सके। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो नए रिश्ते में जाकर देखें कितनी खुशियाँ आएंगी। बस करके देखें, मेरी बात मानें। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।